बिल का समर्थन करते हुए इस बात को सदन से अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत पहले बंगाल में मानव के द्वारा चालित जी रिक्शा चलता था, उसके विरोध में राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन समाजवादियों के नेतृत्व में चला था, बड़ा आंदोलन था। अब मुझे अगर ठीक से याद है तो पंडित दीनदयाल जी ने, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने उस आंदोलन का समर्थन किया था। बहुत दिनों के बाद भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी ने, जो गरीबों के लिए, उनके राहत के लिए, उनके मानवीय संवेदना को समझते हुए यह बिल ले आया है, भारत के इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। और मैं इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि संसद सर्वसम्मत से इस बिल को पास करने जा रही है। एक बात मैं अपनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, सभापति महोदय, ये मेरे लिए भी बहुत ही लाभकारी है। उपाध्यक्ष जी, मैं लखनऊ से एक बार स्टेशन से, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, स्टेशन पर उतरा था और समय तय था मिलने के लिए। रिक्शे पर बैठने की चाह रख रहा था, 8 रिक्शा से मैंने कहा कि भाई हमको बैठा लो, टाइम तय है, कोई तैयार नहीं हुआ। एक रिक्शा तैयार हुआ, हाँ, इसलिए वो निवेदन करते हुए अपनी बात पर, एक रिक्शा तैयार हुआ तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने जाते जाते उसका एक चक्का टूट गया और मैं गिर गया। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, नहीं, वो कह रहा था कि हम एक आदमी को ले चलते हैं, एक आदमी के रूप में 2 आदमी को नहीं ले चल सकते। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, भारत में ये बने गरीबों के लिए रिक्शा, लेकिन उसका मजबूती का ध्यान रख के बने कि हमारे जैसे लोग भी उस पर यात्रा कर सकें। और आपको बहुत प्रशंसा करता हूँ।